अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। आम आदमी तो छोड़िए, खाकी वर्दी वाले भी सुरक्षित नहीं है। दूसरों की रक्षा करने वाले ही जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो प्रदेश की जनता किसके भरोसे रहेगी। मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज का है, जहां एक बार फिर से पुलिस को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। मंगलवार को शराब माफियों को पकड़ने गए एक सिपाही की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, साथ ही एक पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। दरअसल इससे पहले कानपुर के बिकरो में भी ऐसा ही हुआ था, जहां बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर ही हमला हो गया था। बता दें कि कासगंज में दरोगा अशोक और एक सिपाही देवेंद्र मोटरसाइकिल से शराब माफिया मोतीराम के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने गए थे, जहां उन्हें आरोपियों ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई करी गई। दरोगा को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। इस दौरान दोनों पुलिसकर्मियों की वर्दी तक फाड़ दी गई, जिसमें सिपाही की हालत बेहद गंभीर होने की वजह से अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले को देखते हुए यूपी सरकार की तरफ से आरोपियों पर एनएसए लगाने का निर्देश दिए गए हैं, साथ ही मृतक पुलिसकर्मी के परिवार वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा है और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। वहीं बता दें कि पुलिस को घटनास्थल से सरिया और डंडा भी बरामद हुआ है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन्हीं सरियों और डंडों से पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था। अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ।